अहले हदीस और देवबंद में क्या फ़र्क है? अहले हदीस और उलमाए देवबंद के अकायद में बुनियादी फ़र्क अल्लाह की वहदानियत और अकीदा तौहीद पर है। अहले हदीस अकीदा वहदतुल वजूद को कुफर का अकीदा मानते हैं। वहदतुल वजूद ये सूफिया का एक अकीदा है कि नऊज़ु बिल्लाह कायनात में जो कुछ है वो अल्लाह की मुख्तलिफ सूरतें हैं। अल्लाह ताला के बारे में एक मन घड़त मौजू रिवायत सूफिया पेश करते हैं, कुंतु कंजन मखफियन, कि मैं छुपा हुआ खजाना था, फिर मैंने अपना आप जाहिर करना चाहा, अब दुनिया में जो कुछ है वो मेरी ही सूरतें हैं। यही अकायद तकरीबन तमाम उलमाए देवबंद के हैं। ये अकीदा कुफर का अकीदा है। अलामा साले अल फौज़ान हाफिज़हुल्लाह वो फरमाते हैं, यहूदो नसारा के कुफर से बड़ा कुफर अकीदा वहदतुल वजूद का अकीदा है। नसारा ने ईसा और अल्लाह इन दो को इलाह माना, ईसा को अल्लाह का बेटा माना। यहूद ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा माना। कोई दो इलाह का कायल हुआ, कोई तीन इलाह का कायल हुआ। अकीदा वहदतुल वजूद ये है कि कायनात में जो कुछ है नऊज़ु बिल्लाह वो अल्लाह ही की मुख्तलिफ सूरतें और शक्लें हैं। तो ये कुफर इतना बड़ा कुफर है कि तारीख में इस कुफर की मिसाल किसी और जगह से नहीं मिलती। लिहाजा सबसे बुनियादी इख्तलाफ अल्लाह की वहदानियत पर है, अकीदा तौहीद पर है। अहलुल हदीस का अकीदा है कि औलिया और अंबिया फौत होकर अल्लाह की जन्नतों में चले गए, वफात के बाद कब्र में दफन होने के बाद उन्हें हमारी जिंदगी का शऊर नहीं है और हमें उनकी जिंदगी का शऊर, वो अल्लाह की जन्नतों में है। अंबिया की कब्रें मट्टी पर, अल्लाह ने अंबिया के प्यारे जिस्मों को हराम कर दिया है। मट्टी अंबिया के जिस्मों को नहीं खा सकती। अल्लाह चाहे जिस वली के जिस्म को बचा ले, लेकिन जिसके बारे में नस है शरीयत की वो अंबिया के बारे में है कि अल्लाह के अंबिया मट्टी पर हराम हैं। वो उनकी कब्रें जन्नत का बाग हैं, वो बरज़ख की जिंदगी में है, वो जन्नत की जिंदगी में है। हमें उनकी जिंदगी का शऊर और उन्हें हमारी जिंदगी का शऊर नहीं है। उलमाए देवबंद का यकीदा है कि नहीं, अंबिया अपनी कब्र के अंदर जिंदा हैं, औलिया अपनी कब्र में जिंदा हैं। फ़ज़ाइल अमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात, फ़ज़ाइल हज, ये भरे पड़े हैं इस किस्म के वाक़यात से। किसी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे जाकर सलाम कहा, आपका हाथ चूमना चाहता हूँ, तो अल्लाह के नबी का हाथ बाहर निकला। किसी ने रोटी मांगी तो अल्लाह के नबी ने रोटी दे दी। किसी की माँ बीमार हो गई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाहर आकर उसकी माँ के पेट पर हाथ फेर दिया। उससे यकीदा पेश करते हैं कि नबी अल-मुहन्नद अल-मुफन्नद के अंदर उलमाए देवबंद का अकीदा है कि अंबिया अपनी कब्र में दुनिया की जिंदगी के साथ जिंदा हैं। किसी के जहन में ये इख्तलाफ ना आए कि अहलुल हदीस और उलमाए देवबंद का इख्तलाफ आमीन, रफदैन, फातिहा का इख्तलाफ है। ये बहुत बाद का बड़ा निजी इख्तलाफ है, मसाइल का इख्तलाफ है। इससे बहुत पहले अहलुल हदीस और उलमाए देवबंद के दरमियान अकायद का इख्तलाफ है। हम जो फौत हो जाए उनसे मांगना, उनको अपनी कब्र में ऐसे जिंदा मानना जैसे वो दुनिया में हैं, उनको पुकारना, इसको शिर्क मानते हैं, इसको जायज नहीं मानते। और यहाँ इन बुजुर्गों की किताबें इन वाकयात से भरी पड़ी हैं।